लोग बोलते हैं कि न्यू ईयर पे जो है सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, खासतौर से दरबार में, तो दरबार को लेकर आपकी क्या हकीकत है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप उनको क्या बोलना चाहिए? अल्लाह के दरबार में चिराग रोशन वैसे ही होता है, तो हमने इतना ये कहा कि नया साल है, शुरू हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला इसी चिराग की रोशनी से सबके घरों में रोशनी बनी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खादिम इमरान चिश्ती साबरी और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि दरगाह साबिर पार्क में जो नया साल है, न्यू ईयर है, वो किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और किस तरीके से इसको मनाया जाता है और इसको मनाने के लिए लोग कहाँ से आते हैं, कौन है स्पेशल वो खास जो इस दिन को बना देते हैं और भी खास, तो चलिए हम जानते हैं। तो हमारे साथ है यासिर गुड्डे जी, सैयद यासिर गुड्डे जी जो गद्दी नशीन है दरगाह अजमेर शरीफ में, तो हम इनसे इस बारे में जानकारी लेंगे एक ही सेलिब्रेट करने आते हैं और क्या इनका मकसद है इसके पीछे। तो सैयद साहब आप बताइए, ये काम आप कब से कर रहे हैं और आपको क्या मिलता है, क्या आपकी अकीदत है? उसकी मुबारकबाद हम सबको अपना देना चाहते हैं और ये नया साल बेहतर हो आप सबको। हाँ, खास तो कोई बात नहीं है, मगर साबिर पार्क में चिराग रोशन हम करीबन 5-6 साल कंटिन्यू करते आए, मगर लास्ट जो कोविड की वजह से हमने 2 साल हमें मिस कराए और ये अभी हमें मौका मिला है, तो जो साबिर पार्क में हमने चलाया और 2022 का एक नया साल शुरू होने के हम दुआ करते हैं आने वाला साल सबके लिए बेहतर। तो जैसे आप 2019 में आए थे, मैं यहाँ पर मौजूद था उस टाइम, बिल्कुल आपने एग्जैक्ट 12 बजे जो यहाँ पर चिराग रोशन हुए थे अपडेट किया जाता, 2 ईयर का यहाँ पर यानी कि 2 ईयर का यहाँ पर गैप हो गया था कोविड की वजह से, तो आप उस टाइम क्या तमन्ना लेकर बैठे थे कि हम किस तरीके से जो है नया साल साबिर पार्क में सेलिब्रेट करें, उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था? हर साल यही उम्मीद और उमंग रहती है कि नया साल 31 जो है साबिर पार्क में ही मनाया जाए, मगर 2 साल नहीं होने की वजह से नहीं हुआ और आज भी जो है कोविड की कुछ गाइडलाइन की वजह से जो है हमें मालूम हुआ कि रात के 12 बजे नहीं रोशन कर सकते, तो समाज भाई और जहाँ के प्रधान हजरात है उन्होंने यही कहा कि अपन ईशा के बाद रोशन करेंगे। बात जी, जैसे कि यहाँ पर उत्तराखंड में रात को नाइट कर्फ्यू है 11 बजे से, आपको हमारे खादिम खादिम समर साबरी ने बता दिया होगा कि रात को कर्फ्यू रहता है, तो उस हिसाब से आपने 12 बजे ना करके जो है ईशा की नमाज के बाद किया, ये आपको खादिम साहब समर साबरी ने बताया। बात ये है कि इंग्लिश न्यू ईयर रात की 12 बजे शुरू होता है, हमने सोचा कि मगरिब के बाद ही हम अपना नया साल मना लें, तो समद भाई ने कहा कि अपन ईशा के बाद इसको करें और 5000 चिराग हमने जलाए और अक्सर हम मना हर वक्त यहीं से इतने चिराग यहाँ पर लाकर। तो आप मुझे दिखाएंगे आपने दरगाह में कहाँ कहाँ पर जो है चिराग रोशन किए हैं, आपके साथ साबिर समद साबरी साहब है, आप इनके साथ चल के मुझे दिखाएंगे पूरे दरगाह में आपने कहाँ जी? चलिए आप दिखा दीजिए जी। देखिए माशाल्लाह 2022 लिख दिया गया है जी, और इंशाल्लाह ताला 4 घंटे बाद ना वो शुरू भी हो जाएगा 2022, तो यहाँ से आमद हो चुकी है और नया साल बेहतरी हम दिवा। चलिए पहले हम देख लेते हैं कहाँ पर जो है दरगाह साबिर पार्क में चिराग रोशन किए गए हैं, पूरी दरगाह में हम राउंड पर रहेंगे, हमारे साथ नशीन है अपने और हमारे साबिर जो दरगाह साबिर पार्क में खास है वो हमारे साथ है, तो हम चारों तरफ दरगाह के राउंड लगाएंगे और सैयद साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है आज भी ये, और खादिम जो है अजीज साबरी भी आज 31 मई 2020 में अजमेर के अंदर बोला है, जब हम यूट्यूब पर 21,000 चिराग हमने अजमेर शरीफ में रोशन किया। माशाल्लाह आपने कलियर शरीफ में जो ये चिराग रोशन किया है, रोशन किए हैं 5,000 चिराग रोशन करे हैं और हर साल करते हैं यहाँ, तो अगर 2 साल से हम नहीं आ सके लॉकडाउन की वजह से, तो क्या मालूम ऐसा हुआ कि अभी चल रही है 2020 तो हुआ राजा साहब ने कहा कि हुकूमत का 21,000 चिराग हमने लॉकडाउन के अंदर जी मेरे पास वहाँ पर पहली दफ़ा वहाँ पर रोशन हुआ पहली दफ़ा, ये अच्छी बात है, आपकी अकीदत है लोग इसी तरह से रोशन भाई चिराग सबके। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि न्यू ईयर पे जो है सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए खासतौर से दरबार में, तो दरबार को लेकर आपकी क्या हकीकत है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप उनको क्या बोलना चाहिए? सेलिब्रेशन
दरबारों में सूफी अल्लाह के दरबार में चिराग रोशन वैसे ही होता है। तो हमने इतना ये कहा कि इतना नया साल है शुरू हो रहा है, तो इंशाल्लाह ऐसे ही चिरागों की रोशनी से सबके घरों में रोशनी बनी। चलिए जितने भी औलिया इकराम के ख्वाजा गरीब नवाज के तो हर चीज़ पे होता है, क्रिटिसाइज़ तो हर चीज़ पे होता है। जी जी हम चिराग जला रहे हैं या नहीं जला रहे हैं, हर चीज़ पे चिराग रोशन में जो है क्रिटिसाइज़ होता है। जी तो चलिए जी, जैसे आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आप वहाँ पर गति नशीन है और खादिम सबर साबरी भी हमारे साथ मौजूद है, तो जितने भी औलिया इकराम के आशिक हैं गरीब नवाज के आशिक हैं, आप उनके लिए आज के दिन क्या खास दुआ करेंगे आने वाले साल के लिए? मोहब्बत बनी रहे, कोविड जो है दुनिया से खत्म होना चाहिए, पास करम फरमाए। तो अब जो है हमारे साथ सैयद यासिर गुर्जे जी हमारे साथ है जो गद्दी नशीन है दरगाह अजमेर शरीफ से, वो आप सभी आशिकाने हुजूर गरीब नवाज, आशिकाने औलिया और हुजूर आशिकाने हुजूर सरकार साबिर पाक की बारगाह में जो है आप सभी के लिए दुआ करेंगे। तो सैयद साहब जो आपके चाहने वाले हैं, हुजूर से मोहब्बत रखने वाले, आप उनके लिए खास दुआ कर दीजिए आने वाले साल के लिए। साबिर पाक के दरबार में और यहाँ 5,000 चिराग रोशन करें, सबके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस साल आने वाला सबके लिए बेहतरी हो, आमीन। कोविड से इस चीज़ को निजात मिला, आमीन। दुनिया को निजात मिले, आमीन। अल्लाह ताला हर बला वापस से हम सबको महफूज रखें, अल्लाह की मोहब्बत हर किसी के दिल में अल्लाह ताला ईर्ष्या करना नहीं डालता, लेकिन उनके दिलों में डालता है जो उसके आशिक होते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। यही दुआ करते हैं कि हुजूर अगर नमाज के दरबार में आप लोग सुनेंगे, साबिर पाक के दरबार में हाजिर हो, यही हमको ठीक है। शुक्रिया सैयद साहब आपका, आप यहाँ पर आए और आपने इस तरीके से जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया, इसको सेलिब्रेट नहीं है कि जश्न चला। अच्छा ये जी जी सेलिब्रेट कहेंगे तो बहुत अलग बात होगी। जी जी शुक्रिया आपका बताने के लिए, हम लोग इसको सेलिब्रेट समझते हैं लेकिन आपने हमारे तो रोज़ चिराग जलते हैं, ये यहाँ आप देखते आए हैं कि चिराग रोज़ शाम को जलता है। ठीक है शुक्रिया आपका, आप मुझे हुजूर की बारगाह में जो है गरीब नवाज में दुआओं में याद रखें, आपकी दुआओं में। तो कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।